हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1E, दैट इज रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट इज ब्रैकेट 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2 इक्वल्स टू 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। फ्रेंड्स, ये जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता था, ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन है कि हमने ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसी तरीके से ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो क्या ये दोनों प्रूफ करती है कि लेफ्ट हैंड साइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन प्रूफ होती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड? लेट्स सी। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। राइट फ्रेंड्स, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5/2। 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो ये आ गया 5/3 डिवाइडेड बाय 5/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/3। लेट्स सी आर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, 5/9 डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 5/2। तो ये आ गया हमारा 5/9 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ये आ गया 5/9 डिवाइडेड बाय, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 2/15। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 15/2। नाउ 3 5s are 15, 3 3s are 9, तो ये आ गया 25/6। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज -16 डिवाइडेड बाय 6/5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -9/10 इक्वल्स टू -16 डिवाइडेड बाय 6/5 डिवाइडेड बाय -9/10। लेट्स सी आर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है -16 डिवाइडेड बाय 6/5 डिवाइडेड बाय -9/10। तो लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। -16 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। राइट फ्रेंड्स, तो 2 3s are 6 डिवाइडेड बाय -9/10। 2 3s are 6, 2 8s are 16। तो ये आ गया हमारा -40/3 डिवाइडेड बाय -9/10। तो इसको सॉल्व करेंगे, -40/3 मल्टीप्लाइड बाय -10/9। नाउ अब इसको सॉल्व नहीं होगा, तो इसको माइनस माइनस प्लस, 400/27 आ गया। लेट्स सी आर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड है हमारी -16 डिवाइडेड बाय 6/5 डिवाइडेड बाय -9/10। तो ये आएगा -16 डिवाइडेड बाय 6/5 मल्टीप्लाइड बाय -10/9। तो ये आ गया 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो ये आ गया हमारा
माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 2s of 4 एंड 3 माइनस प्लस माइनस. नाउ माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 upon 4, तो ये आ गया 4 1s of 4, 4 4s of 16, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 12. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज माइनस 3 upon 5 डिवाइडेड बाय माइनस 12 upon 35 डिवाइडेड बाय 1 upon 14 इक्वल्स टू माइनस 3 upon 5 डिवाइडेड बाय माइनस 12 upon 35 डिवाइडेड बाय 1 upon 14. लेट्स डू आर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है माइनस 3 by 5 डिवाइडेड बाय माइनस 12 upon 35 डिवाइडेड बाय 1 upon 14. राइट फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. तो ये ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, माइनस 3 upon 5 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, माइनस 35 upon 12 डिवाइडेड बाय 1 upon 14. तो ये क्या हो गया, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 5 1s are 5, 5 7s are 35. ये आ गया माइनस माइनस प्लस 7 upon 4 डिवाइडेड बाय 1 upon 14. इसको क्या लिख सकते हैं, 7 upon 4 मल्टीप्लाइड बाय 14. 2 2s are 4, 2 7s are 14, तो ये आ गया 49 डिवाइडेड बाय 2. लेट्स सी आर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड है माइनस 3 by 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट माइनस 12 upon 35 डिवाइडेड बाय 1 upon 14. तो इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड माइनस 12 upon 35 मल्टीप्लाइड बाय 14. तो ये क्या आ गया, 7 2s are 14, 7 5s are 35. तो ये आ गया माइनस 3 upon 5 डिवाइडेड बाय माइनस 24 upon 5. राइट फ्रेंड्स, तो अब इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे, अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 upon 24. तो ये आ गया 5 5 कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 8s are 24. माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 1 upon 8. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 1E, दैट इज रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 4th इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज. फ्रेंड्स लेट मानते हैं, लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई. राइट फ्रेंड्स, अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई दे रखा है हमें माइनस 9. इफ वन ऑफ द नंबर, कोई सा भी एक मान सकते हैं, या तो x मान सकते हैं या y मान सकते हैं. मैं मानती हूँ x हमें दे रखा है माइनस 12, फाइंड द अदर, y हमें निकालना है. सही, लेट्स सी कैसे. x इंटू y हमें दे रखा है माइनस 9, x की वैल्यू है माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल्स टू माइनस 9. जब यहाँ इसके साथ ही मल्टीप्लाइड में इधर आके काय का हो जाएगा, डिवाइड का, तो माइनस 9 upon माइनस 12. माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 upon 4. दैट मीन्स अदर नंबर इज 3 upon 4 इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1E, दैट इज रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज. लेट द 2 नंबर बी एक्स एंड वाई. फ्रेंड्स अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब
x मल्टीप्लाइड बाय y दे रखा है हमें माइनस 16 अपॉन 9. इफ वन ऑफ द नंबर इज, अब की बार मैं y का नंबर मान लेती हूँ, y दे रखा है मान लीजिए हमें माइनस 4 अपॉन 3. फाइंड द अदर नंबर, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो x मल्टीप्लाइड बाय y दे रखा है हमें माइनस 16 अपॉन 9. तो x एज इट इज, y दे रखा है हमें माइनस 4 अपॉन 3 equals to minus 16 upon 9. अब x as it is रखा, minus 16 upon 9 as it is, यहाँ ये as it is रखा, यहाँ as it is रखा. अब इसे हमें इधर लेके जाना, तो जो नीचे वैल्यू है वो ऊपर, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, प्लस साथ में एक माइनस साइन भी लगेगा ये वाला, राइट फ्रेंड्स. नाउ क्योंकि ये पूरा एक है वैल्यू, इसे इधर लेके गए. 3 1 3 3 3 9 4 1 4 4 4 16. माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3, हेंस द अदर नंबर इज 4 अपॉन 3. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.